वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है कढ़ाई पनीर की, जो कि बहुत ही पॉपुलर डिश है और पंजाबी डिश है और यहाँ हमारे घरों में बनाई जाती है और बहुत ही टेस्टी और बड़ी डिलीशियस बनती है। हर कोई अपने स्टाइल से बनाता है, जो मैं आपको अपना स्टाइल बताना बता रही हूँ तो किस तरह से बनाऊँगी। तो मैं इसके लिए आपको बताना चाहूँगी कि जो इसमें मसाले डालते हैं वो स्पेशल होते हैं, मतलब स्पेशल मीन्स एक तो इसमें सूखा धनिया और जीरा और ये जीरा पाउडर, ये इनको भून के अच्छी तरह से इनको दरदरा कूट के ये रख लेते हैं, ये मैंने रख लिया, ये ज़रूर डलता है इसमें। इसके अलावा हम लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च डालते हैं इसमें, कसूरी मेथी भी डालेंगे और ये इसमें डालेंगे जीरा साबुत और ये दालचीनी और ये तेज पत्ता। सबसे पहले हमने गैस ऑन करते हैं, गैस ऑन के कढ़ाई रख दिए, कढ़ाई में ही बनाया जाता है इसको। तो इसमें 2 टेबलस्पून के करीब हम इसमें ऑयल डालेंगे और 1 छोटा चम्मच हम इसमें बटर डालेंगे। आप देसी घी भी डाल सकते हैं इसमें, तो थोड़ा सा मेल्ट हो जाए सब बटर। तो इसमें हम ये 1 तेज पत्ता, दालचीनी का 1/2 इंच का टुकड़ा और जीरा डालें और इनको एक मिनट सोते कर लेते हैं। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये 1 चम्मच अदरक है और 8 से 10 लवे जवे लहसुन के, उनको मैंने क्रश कर लिए, उनको भी थोड़ा भून लेते हैं। तो साथ में एक छोटा प्याज ब्रीक कटा हुआ, मीडियम साइज का ब्रीक भी कटा हुआ, वो भी डाल के इसको भून लेते हैं। 1 से 2 मिनट इसको भूनेंगे, फिर मैं आपको देखा 2 मिनट हमने अदरक लहसुन प्याज और तेज पत्ता दालचीनी जीरे को भून लिया। अब इसमें हम डालेंगे ये 3 टमाटर है मीडियम साइज़ के, उसकी प्यूरी बना लिए, वो अब इसमें डालेंगे और इसको भी भून लेंगे जब तक कि इसका थोड़ा सा ऑयल ना छूट जाए। इस बीच में आपको बताना चाहूँगी कि ये मैंने 200 ग्राम पनीर लिया, 200 ग्राम की मैं बना रही हूँ और इसके लिए बाद में हम डालेंगे 1 शिमला मिर्च, 1 टमाटर, 1 प्याज। तो हम पहले पनीर की क्यूब काट सकते हैं, तो इस बीच मसाला भून जाएगा फिर मैं आपको। ये हमने प्यूरी डाल के इसको 5 मिनट तक भून लिया। अब इसमें हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का 1/2 छोटा चम्मच, आप दूसरा चिल्ली पाउडर भी डाल सकते हैं और इसमें हम डालेंगे, आँच धीमी कर देंगे ताकि वो मसाले जले ना, 1 छोटा चम्मच या अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक, थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारे मसाले मिक्स हो जाए। और इसको एक मिनट तक अच्छी तरह से भून लेते हैं कि मसाला मिक्स हो जाए सारा। ये हमारा मसाला मिक्स हो गया, अब हम इसमें डालेंगे जो हमने 1 प्याज काटा हुआ था ऐसे लंबा लंबा, वो 1 टमाटर और 1 शिमला मिर्च। ग्रीन को भी थोड़ा सा भून लेते हैं, अरे कच्चे ना रहे, ग्रीन क्रंची लेकिन थोड़ा सा पक जाए, और एक हरी मिर्च भी इसमें डाल देते हैं। ये देखिए 1 मिनट हमने इनको शिमला मिर्च टमाटर प्याज को हमने सोते कर लिया। अब इसमें हमें ये पनीर को हमें 200 ग्राम लेकर इसको डाल दें और इसको भी 1 से 1.5 मिनट तक मसालों में मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले का टेस्ट इसकी चले। और ये जो इनका खास मसाला है, ये 1 चम्मच लिया मैंने जीरा पाउडर और धनिया, इसको मिक्सी में मैंने दरदरा पीस लिया भून के, और 1 छोटा चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया और भी हम डाल देते हैं। ये इसका मेन मसाला होता है कढ़ाई पनीर का। अभी इसको 1 मिनट हम पिलाते हैं, फिर इसमें थोड़ी सी क्रीम डालेंगे और कसूरी में फिर हम आपको दिखाएंगे। देख सकते हैं तेल छोड़ने शुरू कर दिया और पनीर भून गया, और अब हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी इसमें ज़रूर डाली जाती है,
एक छोटा चम्मच डालेंगे और हम इसमें 2 चम्मच के करीब घर की मलाई डाल सकते हैं, अगर ये ऑप्शनल है डालना चाहिए। इसको मिक्स करके 1 मिनट और इसको थोड़ा सा पका लेते हैं ताकि ये मिल जाए। हमारा कढ़ाई पनीर बनकर तैयार है, अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसको डिश आउट करते हैं। देखिए हमारा कढ़ाई पनीर बनकर तैयार है, आप इस मेथड से बनाएंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आएगा। आप बनाइए और आप इसको नान परांठा पूरी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये पंजाबी डिश है, स्पेशली ये पार्टियों में या घरों में बनाई जाती है। आप लंच और डिनर में बनाइए, खाइए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।